रामजन में कोरोना वायरस को लेकर खौफ है। बड़ी तादाद में लोग डीमार्ट पहुंच रहे हैं, रोजमर्रा के सामानों की खरीदारी कर रहे हैं लोग, आटा तेल चीनी सहित अन्य चीजें ले जा रहे हैं लोग, तो डीमार्ट पहुंच रहे बड़ी तादाद में लोग। हालांकि आज 8 बजे कोरोना को लेकर ही देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है कि क्या कहीं लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा, पूरी तरह से सब कुछ बंद तो नहीं हो जाएगा। और ऐसे में इस बड़े फैसले को लेकर, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे, लेकिन एक तस्वीर जरूर देखने को मिली है जब डी मार्ट में लंबी लंबी कतारें लगी हैं, रोजमर्रा के सामानों की खरीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, आटा तेल चीनी सहित अन्य चीजें हैं जो लोग ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं घर पे कि कम से कम एक महीने का राशन ही इकट्ठा कर लिया जाए कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो दिक्कतें ना हो। और यही वजह है कि डी मार्ट में बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि पहले ही सरकार की तरफ से भी कहा गया, केंद्र सरकार की तरफ से, कि न डरने की जरूरत है, न कोई लॉकडाउन जैसी कोई बात है, सिर्फ कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से खौफ देश में है, कैसे सरकार उसके लिए कोशिश कर रही है, क्या कुछ एडवाइजरी है, किस तरह से इसका पालन किया जाए, ये सब बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे। लेकिन लॉकडाउन को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं है, इसलिए लोग डरे नहीं, घबराए नहीं और ऐसा कुछ भी ना सोचें कि ऐसी स्थिति कोई आने वाली है कि सबको बंद रखा जाएगा या सब कुछ बंद हो जाएगा या कोई दिक्कतें आने वाले वक्त में होंगी। लेकिन क्योंकि आज 8 बजे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, तो उससे पहले खौफ कहीं ना कहीं आमजन में। चलिए इस पर बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं सहयोगी भारत दीक्षित का। भारत, डी मार्ट में लंबी कतारें हैं, लोग सामान खरीदने पहुंच चुके हैं रोजमर्रा के, क्या उन्होंने सोचा है 8 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, क्या उसके बाद कोई डर है, कोई बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला सुना सकते हैं पीएम? क्या वजह है कि इतने लोग इकट्ठा हो चुके हैं वहां पर? जी बिल्कुल श्वेता, इस वक्त हम मौजूद हैं डी मार्ट के बाहर, जहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की, अगर तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि 8 बजे के बाद किस तरह के हालात हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं, उसको लेकर पहले से लोग परिपक्व यहाँ के हैं, उसको लेकर ही डी मार्ट यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और जो रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से खरीद के ले जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो स्टाफ है वो यहाँ पर सबसे पहले कस्टमर की जाँच कर रहा है, उसके बाद ही अंदर उनको प्रवेश दिया जा रहा है। आप अंदर की तस्वीरें भी देख सकते हैं किस प्रकार के हालात अंदर हैं, खासा रश यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लगातार जो लोग हैं वो यहाँ से रोजमर्रा के सामान है जैसे कि आटा है, तेल है, चीनी पहले से स्टॉक करके रहना चाहते हैं कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक डर है, एक लॉकडाउन को लेकर यहाँ पर लोगों में डर सता रहा है। जिस प्रकार से कोरोना जो वायरस है लगातार तेजी से जो फैल रहा है, वहीं राजस्थान की अगर बात की जाए, हालांकि सरकार की ओर से लगातार जो व्यापक इंतजाम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में एक शंका यहाँ पर लोगों के बीच कहीं ना कहीं डर लगा सता रहा है कि किस प्रकार कहीं और चीज हो, इसको लेकर पहले जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, युवा ज्यादा नजर आ रहे हैं, जरा इनसे बात कीजिए, किसने कहा इनको कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्यों अचानक इन्हें ऐसा लगा कि सब सामान रोजमर्रा की चीजें हैं लेके घर में रख लेना चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल हमारे साथ एक महिला जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। आंटी, अचानक से आप यहाँ क्यों पहुंची हैं, क्या है आपके मन में? सब जने बोल रहे थे भाई ये बंद हो रहा है, कल से मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए आए अभी सामान लेने के लिए। ग्रोसरी तो चेंज, क्या क्या सामान आपने यहाँ से खरीदा है? अब खरीदने आई हूँ, मतलब बिस्किट्स वगैरह खरीदूंगी, सेम वगैरह खरीदूंगी, आटा खरीदूंगी बस। देखिए श्रोता, इनका कहना है कि अचानक से इनको किसी ने कहा है कि रात को सब कुछ यहाँ पर बंद हो जाएगा, उसको लेकर ही डीमार्ट यहाँ पर पहुंची है और रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो यहाँ पर खरीदने के लिए पहुंची है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक और लोग जुड़े हैं, उनसे बात करें। सर, अचानक आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या क्या मन में क्या शंका? रूटीन में आया था 4 आइटम लेने के लिए, लेकिन यहाँ भीड़ देख करके परेशान हो गया मैं, तो सिर्फ रूटीन में 4 आइटम लेने आया था, मैं हमेशा आता हूँ, लेकिन यहाँ तो हाल ही कुछ खराब है, पता नहीं लोगों दुनिया को लग रहा है कि आज बंद होने वाला है सब कुछ, इसलिए हालत खराब हो रही है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में यहाँ पर शंका है श्रोता कि कब कुछ बंद यहाँ पर हो जाए, उसको लेके पहले ही लोग हैं वो पहले से परिपक्व यहाँ पर हो चुके हैं और लगातार जो चीजें हैं वो यहाँ पर खरीद कर रहे हैं। इधर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार अंदर जाने की होड़ है वो यहाँ पर लोगों में मची हुई है। आप देखिए डीमार्ट के स्टाफ को काफी मशक्कतें यहाँ पर करनी पड़ रही है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 8 बजे के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घोषणा यहाँ पर करते हैं, लोगों के मन में एक चीज है, एक डर है कहीं ना पूरे भारत में कर्फ्यू यहाँ ना लग जाए, उसको लेकर पहले ही जो लोग हैं, जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं जैसे कि बात की जाए आटा की, बात की जाए चीनी की, बात की जाए और जरूरती जो सामान है वो पहले से घरों में रखना यहाँ पर चाहते हैं। कई स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं खासकर यहाँ पर पहुंची हैं, आप देख सकते हैं। एक सज्जन हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या मन में शंका है, क्यों यहाँ पर खरीदने के लिए आए? एक ही शंका है मन में कि कहीं मोदी लॉकडाउन ना कर दे, बस
और कोई देखिए इनका कहना है कि कहीं मोदी जी लॉकडाउन की यहाँ पर घोषणा नहीं करते हैं, इसी को लेकर लोग हैं जो लगातार यहाँ पर डीमार्ट पहुंच रहे हैं और जो सामान है जरूरती सामान वो यहाँ पर खरीदने की कोशिश है वो यहाँ पर। लेकिन भारत भारत लोगों को किसने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 8 बजे संबोधित करेंगे तो वो लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं, लॉकडाउन कर सकते हैं, क्योंकि साफ सरकार की तरफ से कहा गया कि इससे लेकर कुछ नहीं कहना है, ऐसी कोई बात नहीं है, अफवाहों पर ध्यान ना दे। इसके बाद भी लोग इन अफवाहों पर यकीन कैसे कर रहे हैं, जहां एक तरफ इतनी ज्यादा एडवाइजरी जारी करने के बाद 144 धारा लगने के बाद हम पूरे शहर में देख रहे हैं कि किस तरह से खाली पर नजर आ रहा है, मॉल हो या सिनेमा हॉल हो या सब चीजें बंद है, और ऐसी स्थिति में डीमार्ट में इतनी ज्यादा भीड़ की कदम रखने की जगह नहीं है। देखिए बिल्कुल सुनते लगातार हम लोगों को ये जागरूकता कर रहे हैं कि इस प्रकार की कोई बात यहाँ पर नहीं है, नरेंद्र मोदी इस प्रकार की कोई घोषणा है वो यहाँ नहीं करने पर। लेकिन जिस प्रकार से सोशल साइट से जो मैसेज लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि एक सज्जन ने अभी बताया कि लॉकडाउन होने की सूचना उनको यहाँ पर लगी, उसको लेकर ही वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो हम भी ये चीज़ चाहते हैं कि लोगों में ये अवेयरनेस यहाँ पर पहुंचे कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है, अफवाहों पर यहाँ पर ध्यान देते। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदर की जो तस्वीरें श्रोता, सबसे जरूरी चीज़ है जो बता रहे हैं कि ये महज अफवाह है या क्या है, लेकिन लोग लगातार इसी चिंता में डूबे हैं कहीं ना कोई बंद यहाँ पर ना हो जाए, उसको लेके जो तैयारी है वो पहले से लोग करना चाहते हैं लगातार लोग। बिल्कुल, और कोरोना वायरस को लेकर जो एहतियात बरतने की बात भारत कही जा रही है, उसके हिसाब से तो दूरी बना के रखनी है आसपास, लेकिन यहाँ तो ऐसे सटे हुए लोग हैं। डीमार्ट के अंदर की तस्वीरें जो आप दिखा रहे, पैर रखने की जगह नहीं, और उतने ही लोग बाहर नजर आ रहे हैं। हालांकि अब जो डीमार्ट पहुंच चुके हैं या जो भी शॉपिंग के लिए पहुंच चुके हैं वो वापस तो आने वाले नहीं, उनको लगेगा कि अब सामान लेकर ही घर पहुंचा जाए। लेकिन बहुत सारे दर्शक है जो टीवी देख रहे होंगे, फर्स्ट इंडिया देख रहे होंगे, हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, जो एहतियात बरतने की बात की जा रही है वो करिए। संबोधन होगा, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।